1.2 का स्क्वायर, तो 1.2 इंटू 1.2 कर देंगे हम लोग। तो जब हम लोग 1.2 इंटू 1.2 करेंगे देन 12 इंटू 12 करेंगे, क्या करेंगे 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। और डेसिमल देना है तो एक और दो, दो डेट के बाद दे देंगे हम खत्म, तो क्लियर है। अब जैसे क्या है 0.7 इंटू 0.7 एंड 7 जा 49 देन 7 दो डेट है तो दो डेट के बाद पॉइंट दे देंगे तो 0.49, क्लियर है यहाँ तक। अब बस आपको स्क्वायर कर देना है उसका बार बार। अब बोल रहा है कि 0.42 का स्क्वायर देन 4 का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए, हम लोग 0.04 इंटू 0.04 लिख सकते हैं ना, स्क्वायर का मतलब कितना है दो बार लिखना, कितना बार डेसिमल है दो डिजिट, दो डिजिट चार डिजिट पे, तो 1, 2, 3, 4 डिजिट होगी। यानी आप पॉइंट देखें हम क्या करेंगे जीरो करके आंसर, ठीक है। उसके बाद चलिए 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो 0.11 इंटू 0.11 तो 11, 11, 121, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, चाहे 11 का स्क्वायर रूट ही, 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 ही होता है। तो दो इधर चार डिजिट, तो 1, 2, 3 और एक जीरो दे देंगे तो 4 डिजिट हो गया। और ये जीरो लगा के क्या करेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, ठीक है। तो 3, 3 जा 9, 9, 3 जा 27 लिख दिए। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद देना है, तो 1, 2, 3 तो 1, 2 एक जीरो लगा के 3 करके दिए, ये हो गया मेरा आंसर। उसके बाद देखिए 0.05 का क्यूब देन 0.5 इंटू 0.05 इंटू 0.05 देन 5, 5 जा 25, ठीक है। 5, 5 जा कितना होता है 25, 25, 5 जा 125 देन 125 लिखेंगे। पॉइंट कितने बार देना है, दो डिजिट चार डिजिट और दो डिजिट छः डिजिट, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो पॉइंट देंगे, जीरो करके हमें क्या कर दिए आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे 15 का, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3, 3, 7, 5, ठीक है। अब देखिए 1, 2, 3 थ्री डिजिट के बाद हमको पॉइंट देना है तो दे देते हैं 1, 2, 3 डिजिट के बाद पॉइंट देखिए हम क्या लिखेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। अब लोग वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको वन बाय वन अच्छे से करेंगे, आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद से मैं खुद भी कर दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे एक्सरसाइज थ्री सी का। 9 में क्वेश्चन है कि ए बस कैन, क्वेश्चन नंबर 9, ए बस कैन कवर 6.62.5 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है। एक घंटे में डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, इन 1 आवर 62.5, ओके। बोलता है हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर, तो डिस्टेंस कवर इन 18 आवर्स इक्वल टू क्या कितना होगा, 18 या 1 आवर होगा या आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 18 एक घंटे में वो 62.5 किलोमीटर चलता है एक बस, तो 18 घंटे में वो कितना किलोमीटर चलेगा, तो एक घंटे में उन्होंने चला 62.5 देन 18 आवर में कितना चलेगा 62.5 इंटू 18, ठीक है। देन 8, 5 जो 40 लैप 4, 8, 2 जो 16 8, 8 जो 16 और 420 लैप 2, 8, 6 जो 48 और 250 मल्टीप्लाई 5, 1 जो 5 2, 1 जो 2 6, 1 जो 6 देन 0, 5, 2, 11, ठीक है। अब देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट था यहाँ पर, तो एक डिजिट के बाद हम यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, क्या आ जाएगा 1125 किलोमीटर। तो मतलब 18 घंटे में 1125 किलोमीटर वो बस चलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 18 ऑफ ऑयल वे 16.8 केजी देन वेट ऑफ 1 टिन ऑयल 16.8 केजी देन वेट ऑफ देन व्हाट इज द वेट ऑफ 45 सच टिन देन वेट ऑफ 45 टिन ऑयल देन क्या हो जाएगा 16.8
इंटू 45, देन 8 5 40 लैक 4, 6 5 30 434 लैक 3, 5 5 13 8, देन 8 4 32 लैक 3, 6 4 24 और 3 27 लैक 2, 4 1 4 2 6, देन 0 6 8 7 15 617, दैट मीन एंड वन डिजिट के बाद पॉइंट था तो हम यहाँ पर वन डिजिट के बाद पॉइंट देते हैं, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, देन 756 केजी टिन, सॉरी 756 किलो ऑयल 45 टिन में अटेगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए बैग ऑफ वेट वे 97.8 केजी, हाउ मच वेट इज कंटेंट इन 500 सच बैग्स। बोलता है कि एक बैग में जो गेहूं होता है वो है, उसका वेट है 97.8 केजी, ठीक है, देन वे ऑफ वन वेट बैग 97.8 केजी, ठीक है, देन वेट ऑफ 500 बैग इज इक्वल टू, एंड वेट ऑफ 500 वेट बैग्स तो 97.8 × 500, ठीक है, 000 क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे सब जीरो हो जाएगा, 000 देन, ठीक है, फिर करते हैं 8 5 40 लाख 4, 7 5 35 और 4 39 लाख 3, 5 9 45 एंड 3 48, क्लियर है, देन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 5 0, ठीक है, 5 8 40 लाख 4, 7 5 35 और 4 39 हो जाएगा यहाँ पे, लाख 3, 5 9 45 और 3 48, देन 000984, क्लियर है, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, वन डिजिट के बाद देते हैं, वन डिजिट के बाद पॉइंट दे दें, तो वन डिजिट के पॉइंट के बाद तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, देन क्या आ जाएगा 4 8 9 00, ठीक है, तो हमारा 500 बैग में कितना गेहूं अटेगा, वेट अटेगा, देन 48,900 केजी। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ सुगर ईच वेइंग 48.450 केजी। तो बोल रहा है कि ईच बैग वेट, देन वेट ऑफ 16 बैग्स, देन 48.450 मल्टीप्लाई विथ 16, क्योंकि हमें एक बैग का दिया गया है 48.450 केजी, हमें निकालना कितने बैग का है, 16 बैग का हमें निकालना है, देन ये 0 6 0 0, 6 5 30 लैप 3, 6 4 24, 3 27 लैप 2, 8 6 48, 48 and 2 50 लैप 5, 6 4 24 और 5 29, देन अब क्या हो जाएगा 1 0 0, देन 1 5 5, 1 4 4, 1 8 8, 1 4 4, देन 0 0 7 + 5 12 लैप 1, 4 1 5, देन 8 8 8 and 8 + 9 17 लैप 1, 4 2 6 1 7, देन 7 7 2 5 00, देन कितने डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम लोग देखते हैं, 1 2 3 डिजिट के बाद है, देन 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा ये पॉइंट आ जाएगा, क्लियर है, अब आगे चलिए तब कैसे होगा, देन 7 2 5 2 00, देन यहाँ पर पॉइंट हम लोग दे देंगे, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देन 7 2 5 2 क्या हो जाएगा हमारा केजी। क्वेश्चन नंबर है 13, बोलता है ए स्मॉल बॉटल होल्ड 0.845 केजी ऑफ सॉस, देन वेट ऑफ स्मॉल बोट वेट ऑफ वन बॉटल सॉस
0.845, देन वेट ऑफ 72 बोतल सॉस। क्वेश्चन है कि एक बोतल सॉस का जो हमारा वेट है वो है 0.845 केजी, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि 72 सॉस का बोतल का कितना होगा, 72, देन 0.845 केजी मल्टीप्लाई विथ 72, देन 5 2 10 लेफ्ट 1, 4 2 8 1 9, 8 2 16 लेफ्ट 1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, देन हमारे पास लेफ्ट 1 था तो दे देते हैं। देन 7 5 35 लेफ्ट 3, 7 4 28 और 3 31 लेफ्ट 3, 8 7 56 और 3 59, देन 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, देन क्या हो जाएगा 0 5 9 + 5 14 लेफ्ट 1, 6 1 7 1 8 9 1 10 5 1 6, देन कितना आ जाएगा 60840। चलिए तब इसको डेसिमल में डालते हैं, तो 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट डाल दिए, तो पता है पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं था, यहाँ से जीरो हटा के हम इसको री अगेन से लिख देते हैं 0.84 केजी, मतलब 72 बॉटल में हमारा 60.84 केजी सॉस अटेगा।